एक बार एक कारपेंटर एक नए वर्कर को काम पर रखता है। नए वर्कर का पहला दिन जैसे तैसे बीतता है। कारपेंटर और वर्कर दोनों ही अपने घर के लिए निकलते हैं। कारपेंटर देखता है कि वर्कर की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। वर्कर बहुत ही परेशान है, तो कारपेंटर वर्कर को कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कारपेंटर और वर्कर दोनों ही घर के लिए रवाना होते हैं। घर जाते समय वर्कर एकदम चुप रहता है, थोड़ा उदास भी रहता है। थोड़े ही समय में दोनों वर्कर के घर पहुंचते हैं। वर्कर चाय के लिए और अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए कारपेंटर को घर में इनवाइट करता है। घर में अंदर जाने से पहले दरवाजे पर गमले में लगे छोटे पौधे को वर्कर अपने दोनों हाथों से उठाता है और उसकी छोटी पत्तियों को, उसकी छोटी डालियों को अच्छे से छूता है और फिर अंदर जाता है। अंदर जाते ही वर्कर पूरी तरह से बदल जाता है। उसका उदास चेहरा पूरी तरह खिल उठता है। वर्कर अपने दोनों बच्चों को गले लगाता है और अपनी वाइफ से खुशी खुशी मिलता है। उसका अचानक इतना खुश हो जाना कारपेंटर को कुछ समझ में नहीं आता है। चाय पीने के बाद घर से बाहर निकलते वक्त वर्कर फिर अपने गमले के छोटे पौधे को उसी तरह हाथ लगाता है और कारपेंटर को गाड़ी तक छोड़ने के लिए आता है। ये देख के कारपेंटर को कुछ समझ में नहीं आता है। घर के अंदर का वर्कर का स्वभाव और घर के बाहर का वर्कर का स्वभाव बिल्कुल ही अलग होता है। कारपेंटर से रहा नहीं जाता है और वो वर्कर से पूछ ही लेता है, ये सब क्या है? घर में अंदर जाने से पहले तुम उस पौधे को हाथ लगाते हो और घर से बाहर निकलने के बाद फिर उस पौधे को हाथ लगाते हो। तब वर्कर कारपेंटर को बताता है, वो मेरा ट्रबल ट्री है, यानी समस्याओं का पेड़ है। मैं समस्याओं को अपनी लाइफ में आने से नहीं रोक सकता, लेकिन उन्हें अपने घर में आने से रोक सकता हूँ। घर में जाने से पहले मैं अपनी सारी समस्याओं को उस पेड़ पर टांग देता हूँ और फिर अंदर जाता हूँ। घर से बाहर निकल के समस्याओं को सॉल्व करने के लिए फिर उन्हें अपने साथ ले लेता हूँ, पर उन्हें अंदर नहीं ले जाता। आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी समस्याओं को घर के बाहर ही टांग दीजिए, उन्हें घर में मत ले जाइए। अगले दिन फिर घर से बाहर निकलते वक्त अपनी समस्याओं को अपने साथ लेके उन्हें सुलझाने के लिए निकल जाइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।